नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बात का पतंगड़ बनते समय नहीं लगता। इसकी बहुत सारी खामियां हैं, यहाँ तक कि सरकार ने भी गिनवा दी है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है संभवतः 10 में से 8 चीज़ें शायद उतनी उपयोगी ना, लेकिन अगर एक दो सोशल मीडिया की वजह से अगर किसी भी व्यक्ति को लाभ मिल जाए तो इससे अच्छी बात हमारे इस बड़े आबादी वाले देश के लिए क्या हो सकता है। मैं आशुतोष आपके साथ अपने इस प्यारे भारत देश की सच्ची घटनाएं और अच्छी कवायदों के साथ हो रहे कार्यों का एक ब्यौरा आपके साथ लगभग रोजाना साझा करूँ। अभी पूरा देश या कह लीजिए पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के कारण समाज के सभी तबके के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रोजगार में हो, व्यापार में हो। नौकरी पेशा वालों की बात करें तो उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, उनकी तनख्वाहें कट चुकी हैं, दोनों से इस पे आफत है। वहीं अगर व्यापारियों की बात करें तो बड़े व्यापारियों को बड़ी मार, छोटे व्यापारियों को छोटी मार। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे व्यापार चलाते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के बाबा का ढाबा के नाम से एक फूड कॉर्नर चलाने वाले बुजुर्ग का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया की चंद अच्छी चीज़ों की लिस्ट में शायद ये भी शामिल है। इस वीडियो के वायरल होते मदद करने वाले लोगों की जैसे लाइन लग गई। ट्विटर यूजर ने दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग का वीडियो शेयर किया था। वीडियो में बुजुर्ग रोते हुए दिखे थे क्योंकि कोरोना महामारी के कारण उनके दुकान पर कोई भी खाना खाने नहीं आता। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे और खाना खाने वालों की लाइन लग गई। बाद में जोमेटो ने भी उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उनके ढाबे को ऑनलाइन डिलीवरी की लिस्ट में शामिल किया गया। अब एक नया वीडियो सामने आया, एक बुजुर्ग का जिन्हें कांजी बड़े बेचते दिखाया गया है। यह बुजुर्ग बाबा नारायण सिंह है, जिन्हें कांजी बड़े वाले चाचा के नाम से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। ये कांजी बड़े वाले चाचा आगरा के कमला नगर प्रोफेसर कॉलोनी में दुकान लगाते हैं। वीडियो वायरल होने के साथ जैसे मानो बड़े वाले चाचा के रातों रात लॉटरी लग गई। यहाँ तक कि जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह भी रात में बाबा नारायण सिंह के ठेले पर जा पहुंचे। उन्होंने तत्कालीन ही उनके सारे बड़े खरीदे हुए, उनका हौसला बढ़ाया और थाना इंचार्ज को बुला करके यह निर्देश दिया कि बाबा की से सारी जानकारी प्राप्त करें और जो भी संभव सरकारी मदद हो सके वह इस 90 वर्षीय बुजुर्ग तत्कालीन करी जाए। बाबा ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से वो कांजी बड़े और दही बड़े की रेडी यहाँ पर लगा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल वही हुआ जिसका अंदेशा आप लगा सकते हैं, धंधा मंदा हो चला। लॉकडाउन के पहले बाबा नारायण सिंह का कहना है कि वो लगभग 500 रुपए की बिक्री कर लेते थे, लेकिन अब बामुश्किल दिन में 100-200 रुपए ही कमा पाते हैं। रोज शाम 5:30 बजे से बाबा अपनी दुकान लगा देते हैं। सोशल मीडिया पे यह वीडियो वायरल होने के बाद जो लगभग अभी आप अगर आप देखें तो कांजी बड़े वाले बाबा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह लगभग आपको ये मिलेगा। यहाँ तक कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी इसे ट्वीट किया। लगभग सभी लोगों के अंदर जैसे होड़ सी लग गई कि कौन बाबा नारायण सिंह की मदद करेगा। सोशल मीडिया की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, जरूरी नहीं कि हर चीज़ में सिर्फ अच्छाई हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में सिर्फ बुराई ही हो। सोशल मीडिया की वजह से दिल्ली में बाबा का ढाबा और दूसरा कांजी बड़े वाले चाचा दो लोगों की जिंदगी में खुशियां वापस करी और दो बुजुर्ग दंपति वापस से इज्जत की जो वक्त की रोटी हासिल। ऐसे ही रोजाना किस्से लेके आपसे जुड़ता रहूंगा नेशनल खबर पर। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।